बापू यानी अक्षर पटेल। इस खिलाड़ी का जब भी नाम आता है, इस खिलाड़ी की जब भी बात होती है, याद आता है बस वो मुकाबला, याद आता है वो दिन जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 T20 विश्व कप बारबाडोस में खेला गया। भारतीय टीम पूरी तरह से कमजोर दिख रही थी। शुरुआती बल्लेबाज जल्दी पवेलियन की तरफ वापस आ रहे थे। रोहित शर्मा का विकेट गिरा, ऋषभ पंत का विकेट गिरा, सबको लगा भारतीय टीम जो है वो कमजोर हो गई है। सबको लगा अब क्या होगा इस टीम का, कहीं फिर से ये सपना जो है ये दूर तो नहीं हो जाएगा, विश्व कप फिर से भारत के हाथ से निकल तो नहीं जाएगा। परंतु रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल से कहा कि अक्षर पैड जो है पहन ले। अक्षर पटेल क्रीज पर आए, विराट कोहली के साथ 72 रन की पार्टनरशिप किए और 47 रन मारे। ये खिलाड़ी बेखौफ तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था। जिस तरीके से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था, अगर यह खिलाड़ी आउट ना हुआ होता, यदि इस खिलाड़ी का विकेट ना गिरा होता, तो मैं बता रहा हूं भारत टीम उस स्थिति में पहुंच जाता कि दक्षिण अफ्रीका एक तरफा मुकाबला हारता। परंतु इस खिलाड़ी का जब विकेट गिरा, भारतीय टीम की पूरी जो उम्मीद थी वो एकदम बर्बाद सी लग रही थी। भारतीय टीम के जितने भी समर्थक थे वो चुप नजर आ रहे थे। भारतीय टीम स्वयं मानो शून्य हो गई थी। परंतु विराट कोहली ने यह बताया कि अभी मैं हूं और जब तक मैं हूं भारत अभी हारा नहीं है। विराट कोहली ने धीरे धीरे रन बनाना चालू किया और भारत को एक ठीक ठाक स्कोर पर पहुंचा कर लेके चले गए। सबको लग रहा था कि भारत हार जाएगी, परंतु विपरीत हुआ। फिर अक्षर पटेल की गेंदबाजी आई। अक्षर पटेल कहां एकदम कमजोर दिखे। क्लासन ने जब उनको एक ओवर में 24 रन मारा, तब वहां पर लगा कि अक्षर पटेल एकदम कमजोर हो गए हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम शून्य हो गया है। परंतु वहां रोहित शर्मा ने उनको समझाया कि अक्षर अभी खेल बाकी है, अक्षर अभी उम्मीद मत हारना, अक्षर अभी टिके रहना, लड़े रहना, डटे रहना और हम जरूर विश्व कप जीतेंगे। और हुआ भी ऐसा। अक्षर पटेल ने वर्ष 2024 के विश्व कप में बहुत ही अहम योगदान निभाया। मानते हैं अक्षर पटेल ने जो 24 रन लुटाए वो थोड़ा खराब परफॉर्मेंस था, परंतु उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने फिर जिम्मा संभाला, जितने भी फास्ट बॉलर थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सब ने अच्छी गेंदबाजी की और भारत वर्ष 2024 का जो विश्व कप वो घर लेकर आया। अक्षर पटेल ये आने वाले समय के एक बेहतरीन ऑलराउंडर होंगे। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी, इधर देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्ले स्टोर पे जाएं क्रिकेट इंशोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।